मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर, यूट्यूब, फेसबुक और एजीटीवी नेटवर्क पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत वास्तु, वास्तु विद कमल नंदलाल। वास्तुशास्त्र का एक ऐसा प्रोग्राम जो इस सीरीज के तहत आपको विशेष जानकारी देता है वास्तु से संबंधित। और आज जिस विषय को हम लेकर आए हैं वो बड़ा खास है। वास्तु के अनुसार एक कछुआ आपको बना सकता है करोड़पति। एक कछुआ आपको मल्टी मिलियनर बना सकता है, आपको धनवान बना सकता है, आपको खुशहाल बना सकता है। आप पूछेंगे साहब कछुआ कैसे, कछुआ रखना तो बैन है। बैन है साहब, बिल्कुल बैन है। लेकिन साहब मैं उस कछुए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तु के कछुए की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आइए इस बारे में जानते हैं हम। और आज आपको एक नहीं, कई तरीके के कछुओं के बारे में बताऊँगा, कई अलग अलग तरीके के। अच्छा, इसका जो उल्लेख है वो ना ही सिर्फ भारतीय वास्तुशास्त्र में दिया हुआ है, विश्वकर्मा प्रकाश में दिया हुआ है, ब्रह्मसूत्र में दिया हुआ है, मॉडर्न वास्तु साइंस में दिया हुआ है, चाइनीज वास्तु में भी दिया हुआ है, फेंगशुई जिसे कहते हैं उसमें भी दिया हुआ है। अलग अलग इसके प्रयोग हैं। और इसका जो उल्लेख है, विश्वास कीजिएगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी है। जी हाँ, पद्म पुराण में भी है। बड़ा खास है। और आप विश्वास कीजिएगा, ये आपको हर शिवालय में दिखाई देगा कछुआ। आप बोलेंगे कहाँ होता है कछुआ, ये भी बताता हूँ, पूरी जानकारी देता हूँ आपको। देखिए, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में अनेक बातों का, अनेक ज्ञानों का वर्णन है। वहीं इनमें से एक है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के अलग अलग संहिताएं हैं, लेकिन मूलतः वास्तुशास्त्र जो है वो वास से आया है और उसका पूरा ज्ञान देवादिदेव महादेव द्वारा ही दिया गया है संपूर्ण संसार को। और वास्तुशास्त्र का उद्देश्य है आपके जीवन की, मेरे जीवन की, हम सभी के जीवन की नकारात्मकता को दूर करना। और वास्तु करता भी क्या है, नेगेटिविटी को दूर करता है और जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आता है। बल्कि मैं ये कहूँ कि अपने जीवन में धनात्मक कैसे बढ़े आगे, लक्ष्मी कैसे आए, अलक्ष्मी कैसे दूर हो, वास्तु ये बताता है। यानी पॉजिटिव में, पॉजिटिविटी में कैसे इजाफा हो, धन कैसे बढ़े, गरीबी कैसे दूर हो, इस संबंध में भी आसान उपाय बताता है वास्तु। सिर्फ तोड़फोड़ नहीं है कि आपका घर वास्तु संबंध नहीं है तो आप ये दीवार तोड़ दो, ये बाथरूम तोड़ दो, नहीं। वास्तु जहां समस्या है वहां समाधान भी बताता है। लेकिन वास्तु जो है ना बहुत स्पेसिफिक काम करता है। आप खुद सोचिए, क्या पूर्वमुखी मकानों में रहने वाले सारे लोग करोड़पति हैं? जवाब है नहीं। क्या उत्तरमुखी मकानों में रहने वाले सभी लोग करोड़पति हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, गरीब हैं। पूर्वमुखी वाले भी गरीब हैं। क्या नैऋत्य में रहने वाले लोग सारे गरीब होते हैं? नहीं, बहुत सारे अमीर हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, वास्तु एक निश्चित चीज पे काम करता है। वास्तु वो किताबों में जो वास्तु दिखाई देता है या जो लोग ज्ञान देते हैं वो वास्तु नहीं है। वास्तु है आपके लिए क्या शुभता है ना। अब इस बारे में हम बात करेंगे कि जो कछुआ है ये कैसे कमाल करेगा। देखिए, सनातन धर्म में कछुए की बड़ी महत्वता है और भगवान विष्णु का कच्छप अवतार को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वहीं कच्छप यानी कछुए की कई प्रतिमाओं का उपयोग पुराने समय से आज तक हमारे यहाँ शुभता के लिए किया जाता है। इसी के तहत कछुए का प्रयोग प्राचीन समय से ही वास्तु उपाय के रूप में किया जाता रहा है। और सबसे पहला प्रयोग आप ये देखिए, समुद्र मंथन, कच्छप की पीठ, सुमेरु और वासुकी, है ना। अब कच्छप अवतार आपको कहाँ दिखाई देगा? हर शिवालय में देख लीजिए, जहाँ झरी होती है उसी के पास में बना हुआ होता है कच्छप। हर दहलीज पे, शिवालय की हर दहलीज पे कच्छप होता है।
नोट करिए, जाइए कभी देखिएगा। और प्राचीनतम मंदिरों में और शिवालय में, तो हर शिवालय में होगा, विष्णु वहीं उपस्थित होते हैं शिव के समक्ष, और असीम शांति का जो अनुभव होता है ना उसमें इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। कच्छप बहुत शांत जीव होता है, वेजिटेरियन होता है। अब मैं आपको बता दूं, एक प्रजाति और होती है जिसे कछुआ नहीं कहते। देखिए टर्टल और टॉर्टोइस, इसमें फ़र्क है ना। तो कच्छप के दो अलग अलग वेरिएंट होते हैं, लेकिन जो भारतीय कच्छप होता है वो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, दोनों जगह, यही उसकी पहचान है। और वेजिटेरियन होगा, भिंडी खाएगा, टमाटर खाएगा, गोभी खाएगा, ऐसी चीज़ें खाता है वो, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता, वो टर्टल खाते हैं। और ऐसा माना जाता है हर शिवालय में कछुए की स्थापना ज़रूर होती है। कछुए को वास्तु दोष मिटाने का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है, और इसको जहां भी रखा जाता है वहां सुख समृद्धि आती है, बशर्ते इसका सही प्रयोग हो, इसको सही दिशा मिले। आइए जानते हैं इस बारे में, कौन सी दिशा में रखना है, कौन सा कछुआ रखना है, क्या सारे कछुए काम के होते हैं, सारी जानकारी लेंगे। देखिए सबसे पहले प्लास्टिक के, फाइबर के बने हुए कछुए यूज नहीं किए जाते। फेंगशुई की दुकानों में जो 150, 200, 300, 500 रुपए की चीज़ मिलती है वो प्लास्टिक और फाइबर होती है, उसका प्रयोग कभी नहीं किया जाता। नंबर एक, वास्तु के अनुसार कछुआ लंबी उम्र देने के साथ साथ ही घर या कार्यस्थल पर सही जगह रखने पर आपको धन दौलत देता है, शोहरत भी देता है और आपको करोड़पति बनाता है। मादा कछुआ, ध्यान से सुनिएगा, एक नर होता है, एक मादा कछुआ होता है। मादा कछुआ जिसकी पीठ पर उसका बच्चा यानी कि छोटा कछुआ विराजमान हो, वो प्रजनन का प्रतीक होती है। ऐसे लोग जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग जो निसंतान दंपत्ति हैं, अगर वो अपने घर में ऐसे कछुए को रखें और मेटल के बने हुए और गोल्डन कलर के ऐसे रखें, इस पर कलर बहुत कुछ निर्भर करता है आपकी कुंडली पर, ध्यान रखिएगा। हर एक के लिए पाँचवा स्थान अलग अलग होगा। तो घर में अगर संतान नहीं हो रही है तो दंपत्ति को संतान सुख से अगर वो वंचित है तो उसे इस प्रकार का कछुआ अपने बेडरूम में रखना चाहिए, एक विशिष्ट स्थान पर, और बेडरूम की डायरेक्शन भी बहुत निर्भर करती है। अब बात करेंगे स्फटिक के कछुए की। स्फटिक यानी कि शुद्ध स्फटिक, कांच नहीं, जो बाज़ार में ये जो 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये कैरेट के हिसाब से मिलता है, ये कांच है। जो ओरिजिनल स्फटिक होता है वो मूलतः है हिमालयन क्वार्ट्ज़ कहलाता है, बहुत अच्छा खासा महंगा होता है। तो स्फटिक का जो कछुआ है वो घर में रखना असरकारी माना जाता है। इसे घर में रखने से कामयाबी के साथ साथ धन दौलत का भी समावेश होता है, लेकिन इसे रखा कहाँ जाए? इसे रखा जाता है मूलतः घर की दक्षिण पूर्व दिशा में, क्योंकि क्रिस्टल जो होता है ना, हिमालयन क्रिस्टल जो ओरिजिनल नेचुरल क्रिस्टल है, वो शुक्र का प्रतीक माना जाता है। वो उसका काम है शुक्र को कंट्रोल करना, शुक्र को बढ़ाना नहीं, शुक्र को कंट्रोल करना। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आप घर की उत्तर दिशा में अष्ट धातु से निर्मित नवरत्न कछुआ रखें, या सबसे ज़्यादा स्पेशल कछुआ होता है जिसका मुंह अंदर की तरफ आ रहा हो। अब कहाँ रखना है आपको? उत्तर दिशा में, और कहाँ देख रहा हो? दक्षिण की ओर। ध्यान रखिएगा, दक्षिण किसकी दिशा है? लक्ष्मी की दिशा है। तो ये लक्ष्मी की ओर देख रहा हो और उत्तर में रखा हुआ हो, ध्यान से इस बात को सुनिएगा और समझिएगा, जिसका मुंह अंदर की तरफ हो, और इससे रुके हुए काम जल्दी होने लगते हैं, बशर्ता कि ये अष्ट धातु से ही बना हुआ हो और इस पर जो नौ रत्न लगे हुए हों वो सिद्ध हों और प्राण प्रतिष्ठित हों, तभी नौ के नौ ग्रह काम करते हैं। अदरवाइज ये जो इमिटेशन स्टोन से बने हुए पॉलिश किए हुए कछुए होते हैं, ये काम नहीं करते। ये तब काम करते हैं जब प्रॉपर तरीके से इसको सिद्ध किया जाए, और नौ के नौ रत्न चाहे वो उपरत्नी हो, है ना, लेकिन वो काम करने चाहिए। और इसका एक तरीका होता है इसे लगाने का,
मूंगे की जगह या कार्निलियन की जगह कार्निलियन लगेगा, बीच में माणिक्य की जगह माणिक्य लगेगा या सनस्टोन लगेगा, ओनिक्स की जगह ओनिक्स लगेगा या पन्ना लगेगा, इत्यादि इत्यादि। भले ही सब्स्टिट्यूट स्टोन हो, ओरिजिनल जो महंगे वाले स्टोन ना हो, लेकिन वो स्टोन हो जो ऑथेंटिक हो, नेचुरल हो, सिंथेटिक ना हो और अष्टधातु से बना हुआ हो, पॉलिश किया हुआ कोई स्टील का या लोहे का प्रोडक्ट ना हो, एल्यूमिनियम का या रांगे का जिस पर गोल्डन पॉलिश चढ़ी हुई, वो तो उतर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी चीज़, और ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। यदि आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं और पैसे की तंगी झेल रहे हैं, तो आप घर की उत्तर दिशा में अष्टधातु से निर्मित दुकान में अष्टधातु से निर्मित उत्तर दिशा में नवरत्न कछुआ रखें, जिसका मुंह दुकान के अंदर की ओर आ रहा हो, दक्षिण की तरफ देख रहा हो। इससे व्यापार में धन लाभ और सफलता मिलेगी। अब मिट्टी का कछुआ मिलता है और ये लोकल एंड पे ज़रूर मिलता है, इसे बनवाना पड़ता है या कुम्हार के यहाँ से ये मिल जाता है। तो मिट्टी से बने कछुए को दक्षिण पूर्व दिशा में रखा जाना चाहिए। क्यों रखा जाना चाहिए? इससे जीवन में ऊर्जा का प्रभाव होता है। वो लोग जिनको सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम होती है, जो अपने पति पत्नी आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन की कमी महसूस करते हैं, और इससे क्या होता है, रिश्तों में समानता बनी रहती है और जीवन में उतार चढ़ाव कम आते हैं। आखिरी चीज़, चांदी से निर्मित कछुआ, और ये घर के व्यय कोण में यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चंद्रमा की दिशा में लगाना शुभ माना गया है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और वास्तु दोष भी दूर होते हैं। स्पेशली वो लोग जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई मनोरोग है, मनोस्थिति खराब है जिनकी, वो इसका प्रयोग करें और इसे हमेशा पानी में डुबो के रखें। इसकी अलग से प्लेट आती है, उसमें डुबो के रखें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।